आप देख रहे हैं शतक आज तक। सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई की पूछताछ में बड़ा खुलासा, कहा अर्जुन को रिया और सुशांत के बीच हुई थी जबरदस्त लड़ाई। रिया से लड़ाई के बाद नष्ट किए गए थे सुशांत के घर पर मौजूद हार्ड डिस्क, आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर ली गई थी मदद। हार्ड डिस्क को लेकर कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा है सिद्धार्थ, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जारी रहेगी पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी से लगातार छठे दिन सीबीआई ने की पूछताछ, कुक नीरज के सामने जांच एजेंसी ने दागे सवाल जवाब। आज फिर कूपर अस्पताल पहुंची सीबीआई, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से जुटाई अहम जानकारियां। सुशांत सिंह केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया मुकदमा, रिया समेत जया साहा और श्रुति मोदी से भी होगी पूछताछ। ड्रग्स डीलरों की भी कुंडली खंगालेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी ने रिया और उसके गैंग से पूछताछ के बाद दी है पूरी जानकारी। ईडी ने रिट्रीव किया रिया के व्हाट्सएप चैट, ड्रग्स को लेकर तीन लोगों से लगातार होती थी बातचीत। रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग कनेक्शन में नया खुलासा, जया साहा और श्रुति मोदी से सुशांत को ड्रग्स देने को लेकर हुई बातचीत। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में भी भेजी जाती थी नशीली दवाएं, रिया के व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा। रिया के गैंग में सुशांत के पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी शामिल, गोवा में मौजूद गौरव आर्या का भी नाम, मिरांडा सुशी के नाम पर भी गहराया सस्पेंस। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर फिर उबली कंगना रनौत, कहा बॉलीवुड में एनसीबी के एंट्री से बेनकाब होंगे कई बड़े चेहरे। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन पर सुलगी सियासत, बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में केस नहीं दर्ज करना चाह रही थी, ना ही इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाह रही थी। क्या मंशा थी? क्या महाराष्ट्र की सरकार उन ड्रग्स माफियों को बचाना चाह रही थी? सुशांत केस में सीबीआई जांच का छठा दिन, पहली बार सोसाइटी के गार्ड से जांच एजेंसी ने की है पूछताछ। नीट जी परीक्षा को लेकर तेज हुई सियासत, सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 7 राज्य। सोनिया गांधी के साथ बैठक में हुआ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला, पीएम से अपील भी करेंगे कांग्रेस और गैर एनडीए राज्य। पश्चिम बंगाल में 20 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद, ममता सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद रखने का किया फैसला। बिहार सरकार ने छात्रों को दिलाया भरोसा, नीतीश के मंत्री जयकुमार सिंह को ले परीक्षा केंद्रों पर किया गया है मुकम्मल इंतजाम। पूरी तरह से बिहार सरकार आपकी व्यवस्था किया है, पूरी इस COVID-19 से बचने का, बचाने का जो भी तरीका हो सकता है वो सारे तरीका फॉलो की गई है। दिल्ली में NCERT छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जी और नीट परीक्षा को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ हल्ला बोल। चुनाव से पहले बिहार में तेज हुई दल बदल की रफ्तार, LJP के पूर्व सांसद रामा सिंह 29 अगस्त को थामेंगे RJD का दामन, वीडियो जारी कर किया ऐलान। लालू से मिलने रांची निकले तेज प्रताप, कहा रघुवंश प्रसाद और रामा सिंह सब साथ साथ। बिहार चुनाव के लिए सक्रिय हुए ओवैसी, किशनगंज में AIMIM में शामिल हुए JDU के नेता रुकमुद्दीन। शुरू ही राम मंदिर के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया, जुटाए जा रहे हैं आवश्यक दस्तावेज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने लगाए सीएम योगी पर विवादित पोस्टर, मुख्यमंत्री को दिखाया ब्राह्मणों के लिए खतरा, अखिलेश यादव को बताया रक्षक। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक अदिति सिंह के खिलाफ उनकी दादी ने पुलिस से की शिकायत, पोती से बताया जान का खतरा। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मौत, अब तक करीब 60,000 लोगों की जा चुकी है जान। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 67,000 से ज्यादा मरीज, अब तक करीब 32.5 लाख की। देश में कोरोना रिकवरी रेट 75% के करीब, अब तक करीब 25 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 10,000 से ज्यादा नए मामले, 7 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 5,006 नए मामले, 1,97,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की तादाद। दिल्ली में 24 घंटे से 1,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 1,64,000 से ज्यादा हुई कुल मरीजों की संख्या।
पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 1,44,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। बिहार में 24 घंटे में करीब 1,300 नए मामले, 1,24,000 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या। कोरोना संकट के बावजूद ओडिशा की पटनायक सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजन को दी हरी झंडी, कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई कोरोना पॉजिटिव, यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी भी संक्रमित। पुणे के भारतीय विद्यापीठ में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, दो लोगों पर हुआ है परीक्षण। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नर्सों की हड़ताल, कोरोना काल में 7 दिन ड्यूटी के बाद 7 दिन छुट्टी की मांग को लेकर नाराजगी। रांची में कोरोना के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों में लूट खसोट का आरोप, मरीज के मौत के बाद परिजनों को थमाया 7 लाख का बिल। जमशेदपुर में क्वारंटीन सेंटर में तैनात महिला सिपाही के साथ रेप, साथी पुलिसकर्मी पर आरोप, एफआईआर के बाद गिरफ्तार। कोरोना के हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, मुख्य सचिव से मांगा एक्शन प्लान, 28 अगस्त को अगली सुनवाई। दिल्ली के मरकज में आए 16 विदेशी जमातियों का इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें मिली जमानत, 21 अप्रैल को प्रयागराज पहुंचने पर पुलिस ने भेजा था जेल। राजस्थान में बाड़मेर की जेल में 48 कैदियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप, जेल में अब तक कोरोना के 90 मामले। संगरूर में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी लापरवाही, सड़क किनारे मिला इस्तेमाल हुआ पीपीई किट का ढेर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर विरोध प्रदर्शन, जनता विरोधी नीतियों का आरोप लगाकर कारोबारियों का हल्ला बोल। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन पंचकुला में आशा वर्कर का प्रदर्शन, मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव। पंजाब के मोगा में महंगा पड़ा नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में इंसाफ मांगना, 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कानपुर में संजीत हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा, अभी तक बरामद नहीं हुई है संजीत की लाश। कन्नौज में 30 साल की महिला और दिव्यांग युवक पर टूटा लोगों का कहर, प्रेमी जोड़ा बताकर सरेआम किया गया अपमान। आजमगढ़ में प्रेमिका के घर जाना प्रेमी को पड़ा महंगा, गांव वालों ने पेड़ से बांधकर की जमकर पिटाई। लखनऊ में एक शख्स ने नशे की हालत में पति को गोली मारकर की खुदकुशी, नाबालिग बेटे ने पुलिस को बताई दहलाने वाली घटना। सहारनपुर में पिता पुत्री का शव मिलने से सनसनी, परिवार ने जताया हत्या का शक। कन्नौज में सहकारी बैंक चुनाव के चक्कर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बारामूला एनकाउंटर में जख्मी हुए मध्य प्रदेश के जवान मनीष के इलाज के दौरान मौत, सीएम शिवराज ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। बिहार के समस्तीपुर में इंटर कॉलेज एडमिशन फीस के मुद्दे पर बवाल, छात्रों ने शहर भर में निकाला जुलूस। हरियाणा के रोहतक में एसबीआई एटीएम से 25 लाख की लूट, पैसे उड़ाने के बाद बदमाशों ने एटीएम में लगाई आग। पंजाब के मोगा में नाबालिग से रेप के मामले में इंसाफ मांग रहे लोगों पर चला पुलिस का डंडा, प्रदर्शनकारियों पर कोरोना नियमों का हवाला देकर केस। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज की 2 बसों में टक्कर में 6 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग हुए हैं जख्मी। यूपी के झांसी में पानी भरने के विवाद में फेंका तेजाब, 23 लोग झुलसे, 5 की हालत गंभीर। रायगढ़ बिल्डिंग हादसे के सिलसिले में आरसीसी कंसल्टेंट नवी मुंबई से गिरफ्तार, हादसे में 15 लोगों ने गवाई थी जान। वडोदरा में रेलवे भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 54 लोगों से 1 करोड़ वसूलने का आरोप। आंध्र प्रदेश के अमरावती में राजधानी को लेकर सड़क पर उतरे किसान, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, एक महिला से सामूहिक बलात्कार को लेकर नाराजगी। मुजफ्फरनगर के हॉस्पिटल में मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाकर कोहराम। जम्मू में तेज धार के आगे बेदम हुआ पुल, पानी के थपेड़ों से देखते ही देखते धराशायी, कैमरे में कैद हुई दहलाने वाली तस्वीरें। राजौरी में मूसलाधार बारिश से नदियों में जबरदस्त तूफान, खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा पानी, किनारे की बस्तियों में मंडराया है खतरा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सैलाब में फंसा मिनी ट्रक, तेज धार में वाहन पलटने से आपत में आई ड्राइवर की जान, जेसीबी मशीन से किया गया रेस्क्यू।
गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जूनागढ़ में 3 दिनों तक पानी में फंसा रहा किसान परिवार, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गुजरात के मोढ़ेरा में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में सैलाब का कब्जा, मंदिर में हर तरफ पानी ही पानी, पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश और बाढ़ से हजारों एकड़ फसल बर्बाद, किसानों ने रूपाणी सरकार से मांगी मदद। बिहार के खगड़िया में उफान पर है गंगा और गंडक नदी, दर्जनों गांव जलमग्न, शहर से संपर्क टूटा। बिहार के छपरा में सैलाब का सतम, धस गए करीब 10 फीट सड़क, जान जोखिम में घर से बाहर निकल रहे हैं लोग। गोपालगंज में बाढ़ का पानी घटने के बाद सामने आए तबाही के निशान, सड़कें और मकान ध्वस्त। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज रात से भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाएगी और कल आपके पास और परसों 27 तारीख को और 28 तारीख को इससे एसोसिएटेड रेनफॉल हमारे पास दिल्ली एनसीआर में होने की संभावना है। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, बाढ़ के चलते नौका संचालन पर लगी रोक। ओडिशा में कई शहरों में भारी बारिश से हाहाकार, केले के तने से बनी नाव की मदद से चल रही है जिंदगी। मौसम विभाग ने ओडिशा के 7 जिलों के लिए जारी किया है बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। हिमाचल के मैक्लोडगंज में बंद होगी 160 साल पुरानी दुकान, 6 पीढ़ियों से कारोबार कर रहा था पारसी परिवार। मोदी और योगी का अनूठा दीवाना है मेरठ का एक रिक्शा वाला, दोनों की तस्वीर लगाकर गली गली घूमता है प्रमोद। मथुरा में इस बार सादगी से मनाई गई राधाअष्टमी, पंचामृत से हुआ राधा रानी का अभिषेक, कोरोना संकट के चलते नहीं जुटे श्रद्धालु। पहली बार बंद हुआ बागेश्वर का ऐतिहासिक कोट भ्रामरी मंदिर, कोरोना संकट के चलते भक्तों की एंट्री नहीं, सिर्फ पंडित कर रहे हैं पूजा पाठ। 230 अंकों की बढ़त के साथ 39,073 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 77 पॉइंट्स बढ़कर 11,549 पर बंद। कल जीएसटी मीटिंग में टू व्हीलर्स पर घट सकता है जीएसटी, वित्त मंत्री बोली लग्जरी आइटम या अहितकर सामान नहीं है दुपहिया वाहन। अब गोदरेज साबुन में नहीं रहेगा फेयर शब्द, पहले यूनिलीवर और लॉरियल भी हटा चुकी है व्हाइटनिंग, फेयर और लाइटिंग जैसे शब्द। अब केएफसी का फूड खाकर उंगलियां चाटने को नहीं कहेगी कंपनी, मौजूदा हालात को देखकर हटाया स्लोगन। मशहूर फुटबॉलर मेसी ने किया बार्सिलोना क्लब छोड़ने का फैसला, क्लब ने दिए कानूनी लड़ाई के संकेत। 5 महीने की हिरासत के बाद ब्राजील वापस लौटे पूर्व फुटबॉल स्टार रोनाल्डो रिन्हन, फर्जी पासपोर्ट मामले में पुराग्वे में हुए थे गिरफ्तार। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में लगातार तीसरे दिन जारी रहा हिंसक विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर को किया आग के हवाले। विस्कॉन्सिन में बेकाबू हो रहे हैं प्रदर्शनकारी, पुलिस को बनाया निशाना, सुरक्षाकर्मियों ने दागे आंसू गैस के गोले। टर्की से तनाव के बीच भूमध्य सागर में ग्रीस ने शुरू किया सैन्य अभ्यास, नौसेना और वायुसेना मिलकर दिखा रही है ताकत। ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को यूएनएससी ने किया खारिज, अमेरिका ने ईरान पर लगाया था आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ, अब तक 2,40,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 8,23,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 60,00,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,82,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना के 36,74,000 से ज्यादा मरीज, अब तक करीब 1,17,000 लोगों की जा चुकी है जान। चक्रवाती तूफान लॉरा ने क्यूबा में मचाई भारी तबाही, 3,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया रेस्क्यू। लगातार फैल रही है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, काबू में करने के लिए हेलीकॉप्टर की दी जा रही है मदद। और कोरोना संकट के बीच चीन में चीशी फेस्टिवल की धूम, सिचुआन में चीनी वैलेंटाइन डे मनाते नजर आए प्रेमी युगल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।